अच्छा, लेकिन ये भी रहेगा काफी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स में मिल जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा डबल डी रिंग स्ट्रैप। इसका प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस जो बहुत डिफरेंट रहेगा, इसका प्रीमियम पैडिंग रहेगा, डबल डी रिंग स्ट्रैप के साथ ही आता है, कंफर्टेबल रहेगा बहुत ज़्यादा और पड़ता है। तो दिस इज एम टी थंडर 4SV। तो इस वाले कलर का नाम जैसे ड्रैक्स है, काफी लोग क्वेश्चन करते हैं, मैंने देखा लॉक आया बता किसी हेलमेट में, बहुत इजी भी है, इजी लॉक नहीं है कि आपने सिर्फ क्लिक किया और इजीली बाहर आ गया। लर्पी तो हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीमर होता है कि काफी ज्यादा इंपैक्ट तो उसको झेल सके, झेलने के केपेबल रहता है हेलमेट ये। इसकी फिटिंग बहुत डिफरेंट रहेगी क्योंकि नॉर्मल हेलमेट से इसके, अगर आप जैसे नॉर्मल हेलमेट को लार्ज पहनते हो, इसे लार्ज पहनोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग रहेगी। तो जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि उनको भाई जॉब पे जाना है, किसी कैफे वगैरह पे जाना है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने, चिल करने, सेफ्टी भी चाहिए और सेफ्टी भी, प्रोटेक्शन भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए, तो फॉर्मा का वाइपर आता है। ऑफर चल रहा है हमारी जैकेट्स पे, ये वैसे 5500 रुपए की है बट ये 4250 के अंदर आपको जैकेट मिल जाएगी। मेट्रो कलर्स लुक्स आप देख लीजिए, प्राइस इसका 6750 है। अपनी 390 तो आने वाली है और बहुत सारे लोग क्वारी भी कर रहे थे, मतलब कमेंट भी आ रहे थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ दिवाली है तो बहुत सारी बाइकें भी लॉन्च हो रही है। अब बाइकर जो एंथुजियास्ट है उन लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी भी है और लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं हेलमेट को लेकर, राइडिंग गियर्स को लेकर। तो लोग ना कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें या लेने कहाँ पर जाएँ, या मतलब घर बैठे ही ऐसा एक चीज़ मिल जाए जहाँ पर हमें बजट में भी सारी चीज़ें मिल जाएँ और थोड़ी सी इंपोर्टेड चीज़ें मिल जाएँ जिसमें हम एक बार पैसा लगा दें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक आप, मैं पीछे दिखा देता हूँ, लाइक जैकेट हो गए, हेलमेट हो गए, शूज हो गए, ग्लव्स हो गए, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, बंदा सोचता है कि मैं एक ही बार ऐसा इन्वेस्ट कर दूं कि हाँ मेरे को कई, मतलब 1-1.5 साल तक की छुट्टी मिल जाए, कोई इतना ज़्यादा मेरे को बार बार खर्चा ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों की क्वायरी करने के लिए अपना आए थे पावरस्पॉट पे, आपको देखो दिख रहा होगा हनुमान जी की मूर्ति करोल बाग के सामने, जस्ट अपने सामने वाले रोड पे। एक मैं फोटो अटैच कर दूंगा जिससे आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आना है। अंदर गली से ऊपर आएंगे, ऐसा कुछ सरफेस मिलेगा, वहाँ पे मिलेंगे आपको अपने प्रशांत भाई। कैसे हो आप सब? हाँ, और एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी जो अभी भाई ने मेरे को बताया कि इस वीडियो में मुझे बहुत कम बोलना पड़ेगा और सारी बातें बोलेंगे अपने प्रशांत भाई और बताएंगे अपने MTs के हेलमेट के बारे में। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, जैसे मैंने भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आप अगर मार्केट में चलते हो और संडे राइड वगैरह पे जाते हो तो एक्सोर और SMK के हेलमेट जो है ना आपको बहुत दिखते हैं। हर किसी के सर पे एक्सोर के, SMK के, ये बहुत सारे हेलमेट दिखते हैं। तो लोग सोचते हैं थोड़ा सा हटके कोई ग्राफिक्स मिले या जैकेट भी हमें कुछ ऐसी मिले कि थोड़ा मतलब लोगों से लगे कि अपना कुछ अलग चल रहा है। तो यही अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था कि थोड़ी सी नई चीज़ों की तरफ जाओ। पैसा वैसा जो भी है वो सब प्रशांत भाई बताएंगे और बताएंगे अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्या क्या उनके अंदर मतलब चीज़ें। और कैसे प्रशांत भाई, सबसे पहले तो बढ़िया, आप बताएं आप कैसे? बस भाई बढ़िया बढ़िया। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे राइडिंग गियर्स पहन के हमेशा हमेशा राइड करनी है आपने, कभी भी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेफ्टी, बिकॉज राइडिंग गियर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट रख सकती है और आपको हॉस्पिटलाइज होने से और आपके काफ़ी सारे पैसे बचा भी सकती है और आपके राइडिंग के एक्सपीरियंस को बढ़ा भी सकती है। सही बात, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर और सर फिर भी आए वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा और क्लियर कर देना। लोग बोलते हैं MT के हेलमेट ना बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, तो उनकी प्राइसिंग स्टार्ट मतलब कहाँ से हो जाती है? देखो वैसे बेसिकली हेलमेट जो स्टार्ट है, अगर मैं MT का सब ब्रांड से बात करूँ, एक्सेस, तो 2550 से शुरू है। अच्छा, जो एक्सेस है वो MT का ही है? MT का सब ब्रांड है। अच्छा, इंटरनेशनली चलता है, इंडिया में काफी लोग जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन हम भी चाहेंगे कि आप सब रिकॉग्नाइज करो धीरे धीरे। कम रेंज के अंदर स्टड्स, स्टील वर्ड, वेगा से हटके अगर कुछ ट्राई करना चाहते सर ने बोला, तो स्टार्टिंग जो हो जाएगी 2550 से 2580 जो है अपना, ये हेलमेट अपना 2550 ब्लैक वाला हेलमेट आता है एक्सेस का, दिखाना भाई। ठीक है, हाथ से निकालना पड़ता है ये। तो ये जो हेलमेट बना ना पर्टिकुलर पॉलीकार्बोनेट शेल के अंदर बना हुआ है, तो पॉलीकार्बोनेट शेल के तो मटेरियल्स होते हैं, तो ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। जो सबसे नॉर्मल हेलमेट होता है ABS प्लास्टिक से बने होते हैं। तो इसमें अब मैं प्रोटेक्शन बताता हूं क्या होता है, इसमें ISI DOT सर्टिफिकेशन मिलती है। ठीक है, क्योंकि हम अपने टेक्निकल नॉलेज की बात भी करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सभी दिखाते हैं। सही बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कोई नहीं करता, सब लेफ्ट कर देते हैं। और बात करेंगे अंदर पैडिंग्स की, तो इसमें तो वैसे मल्टी डेंसिटी EPS तो आएगा, लेकिन इसके साइड्स में EPS नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो काफ़ी टफ मिलेगा। यहाँ पे जो आपका शेल है काफ़ी ज़्यादा थिक रहेगा, काफ़ी वेट रहेगी उसकी, जो प्रोटेक्शन आपका इंपैक्ट को वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करे। तो इस प्राइसिंग के अंदर स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है 2500 से 2550 एंड 2800 में सारे आपको क्रेजी एंड मल्टी कलर ग्राफिक्स मिलने वाले। ग्राफिक्स देख लो भाई, बहुत सारे हैं, देखो बी रोल के द्वारा भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। वो जो कहता है नॉर्मली है ना, काफी लोग इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन थोड़ा बजट इश्यूज होता है, तो उनके लिए होता है। और आज बात करेंगे फिर MT के बारे में, जैसे आपने कहा, और रीजन जो आपका क्वेश्चन था वो भी उठाएंगे और हेलमेट भी दिखाएंगे आपको। तो पहले क्वेश्चन क्लियर करता हूं, MT के हेलमेट महंगे क्यों होते हैं? सी देयर इज अ रीजन। जो पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं ना, आप जैसे मैं दिखाता हूं, जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं, MT जो है आपका 3GP में मोटर 2 के अंदर जितने भी जो
इवेंट्स होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है। तो एमटी के हेलमेट्स का प्राइसिंग बढ़ने का रीजन क्या होता है, ब्रांड वैल्यू भी होती है और एक क्वालिटी भी होती है, तो उसके हिसाब से पैसा उस हिसाब से सेट होता है सब चीज़। ये हमर सीरीज है, स्टार्टिंग सीरीज आती है। प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, कलर ग्राफिक इज अ सेकेंडरी ऑप्शन। तो इसमें आपको ईसी डीओटी आईएसआई थ्री कंट्री सर्टिफिकेशन मिलेगी, आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड्स भी अब क्लियर हो चुका है इस पे। तो एमटी इसलिए इंडिया में आपका अभी एक हेलमेट है जो आपको क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं, अगर इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। पॉसिबल पैड्स है और कंग्रेचुलेशन सभी को, एमटी के पैडिंग्स के अंदर चेंज आ गया, मतलब हमारे के अंदर पैडिंग चेंज हो गई है, पहले ब्लैक आती थी कुछ मॉडल्स में, अभी भी है, ये नेवी ब्लू हो गया, बिल्कुल नेवी ब्लू हो गया और हनीकॉम्ब कुछ शेड दे दिया कुछ नया करने के लिए। स्पीकर पॉकेट्स का स्पेस है, स्पीकर पॉकेट्स बता दो, इंटरकॉम लगा, इंटरकॉम डिवाइस लगा, तो काफी लोग कहते हैं स्पीकर लगे अंदर, तो पॉलीकार्बोनेट लेंस का बना था तो अनब्रेकेबल होता है, तो अनब्रेकेबल होने का रीजन क्या है, इनकेस फॉल होता है तो आपकी आईज जो प्रोटेक्ट रहेंगी तो काफी ज्यादा सेफ्टी रहती है। दिस इज कंप्लीट एमटी हमर सीरीज, 5,250 से शुरू होती है, थ्री कंट्री सर्टिफिकेशन कैरी करता है अपने साथ और ग्राफिक्स तो नो डाउट बहुत अच्छे मिलेंगे और कॉम्पैक्ट चले। आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं टार्गो सीरीज की। तो इस वाले हेलमेट को उठा के बात कर लेते हैं, बाकी सारे जो है इसके ग्राफिक्स लगे हुए हैं। तो दिस इज एमटी टार्गो सीरीज और जो एमटी हमर था और एमटी टार्गो है, इनके अंदर दोनों में डुअल वाइजर नहीं आते हैं। रीजन बता देता हूँ क्या होता है, जैसे अगर आपको इस डुअल वाइजर का यूज नहीं है तो आप इस पे ले सकते हैं। अब इसका जो प्राइस है दैट इज 7,800, 7,800 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर में 6,250 का पड़ रहा है, 6,250 का। कॉम्पैक्ट है लेकिन ये भी रहेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स में मिल जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा डबल डी रिंग स्ट्रैप और उसमें था माइक्रोमेट्रिक बकल, क्योंकि स्पीकर पॉकेट्स नहीं आते हैं, बट अगर V6 यूज़ करते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। पर पैडिंग का प्रीमियम बढ़ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है ऑब्वियसली, पैडिंग प्रीमियम हो जाएगी और शेल का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, ग्राफिक्स नहीं मिल जाएंगे, और ग्राफिक्स नहीं मिल जाएंगे बिल्कुल सही का, क्योंकि क्या होता है शेल के डिज़ाइन के भी पैसे होते हैं हेलमेट के अंदर, उसी हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो ये जो रेंज है सारी 6,250 की है। प्लस पॉइंट बताते तो इसमें आपको मिलेगी शार्प सर्टिफिकेशन, तो आप स्टिकर पे एक बार हम जूम इन कर लेंगे तो ये शार्प 3 स्टार्स है। शार्प जो है ये बड़े बड़े हेलमेट्स के अंदर आती है, हमारे जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं एमटी के साथ साथ जो चलते हैं, जो एजीवी हो गया, एजीसी, शोई, जितने भी बड़े ब्रांड्स आते हैं उनमें आपको शार्प सर्टिफिकेशन मिलती है, ना कि अदर ब्रांड्स में आपको नहीं मिलेगी। और आगे चलते हैं, थंडर 3 के बात करते हैं। अब जैसे आप इस वाले ग्राफिक, ये तो नया भी आया मेरे ख्याल से ना, ये जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है बिल्कुल। तो डियागो मोरेरा एक रेसर है हमारा ट्रैक पे, तो उसके ऊपर ये पूरा एक थीम है हेलमेट का। कलर्स आप देख लो, अब इसमें अगर किसी को डुअल वाइजर चाहिए तो आप इसमें डुअल वाइजर हेलमेट को आराम से मिल जाएगा, तो इसमें सनवाइजर का भी सपोर्ट है। इसमें आपको स्पीकर पॉकेट्स मिल जाएंगी, रिमूवेबल वॉशेबल पैड्स अगेन। अब इसमें जो डिफरेंस हुआ है शार्प 4 स्टार्स, इसमें 4 रेटिंग है, तो इसमें 4 रेटिंग मिलेगी। और शार्प जो है यूके की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन ये भी हेलमेट्स को टेस्ट करते हैं, उनका टेस्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंस होता है, अलग अलग स्पीड अलग अलग हाइट से फेंक के देखते हैं, अलग अलग तरीके से फेंक के देखते हैं, तब उसको स्टार रेटिंग मिलती है, इसको 4 स्टार्स मिले हुए हैं। इसका प्राइस की बात कर लेते हैं, इसका प्राइस जो है 6,800 रहेगा ग्राफिक वाले का। नॉर्मल लेते हो कोई प्लेन सॉलिड कलर लेते हो तो 6,600 रुपये का पड़ेगा। DRS मिलेगा पीछे बैग में, यानी इसे बोलते हैं ड्रैग रेसिस्टेंट सिस्टम, तो ड्रैग वगैरह जो एयर ड्रैग होगा उसको ही कम कर देगा। और नॉर्मल भाषा में कहें तो स्पॉइलर, स्पॉइलर कह सकते हो, स्पॉइलर कह सकते हैं। इसके सारे कलर्स हैं जो कि, अच्छा ये जो पूरी ये कैटेगरी है कितने प्राइस वाली है, ये 6,800 रुपए के हैं सारे, सारे। और जो प्लेन है इसका 6,600, सारे थंडर 3 हैं सब, इसके ग्राफिक्स ही सब आता है, आइल ऑफ मैन हो गया, डैमर हो गया, डैमर ब्लैक हो गया, आइल ऑफ मैन नियॉन, ये कुछ नए ग्राफिक्स आए हैं इसके अंदर, ये ओपन ग्राफिक है, तो ये पूरा पर्टिकुलर आपको व्यू मतलब व्यू आप देख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका जो प्राइस है दैट इज 7,550, 7,550 के अंदर आता है। इसमें प्लस पॉइंट क्या आएगा आपका बोलोगे डिफरेंस क्या आ रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें शार्प के तो पहले आपको 4 स्टार्स रेटिंग मिलती है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है हमारा। और ये उनके लिए है जो कहते हैं कि हमें बहुत कॉम्पैक्ट शेल चाहिए, हमें कुछ ज़्यादा स्पॉइलर लुक पसंद नहीं आता कॉम्पैक्ट शेल। इसमें आगे मिलेगा आपको लॉकेबल वाइजर, तो ये जब तक लॉक लगा खुलेगा नहीं डुअल वाइजर आ जाएगा, ठीक है, तो इसे एक बार ऊपर कर देगा। और पैडिंग्स का अगर डिफरेंस देखोगे तो बहुत है, उसकी पैडिंग्स थोड़ी इससे हल्की है मतलब प्लेन है, और इसकी पैडिंग्स से ज़्यादा मोटी होती है। इसमें वो है वाइन कलर, इसमें वाइन कलर है, हाँ, इसका जो पैडिंग्स का जो है मटेरियल और ज़्यादा अच्छा है। जो मटेरियल आप देख रहे हो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है जब आप स्वेट करते हो, और कूल डाउन रखता है अंदर के टेम्परेचर को। और कलर्स ऑप्शन सारे मिल जाता है, स्मॉल से लेके एक्सल तक साइज लास्ट आता है एमटी के अंदर। स्पीकर वाला स्लॉट है इसमें, सब है इसके अंदर, आपको स्पीकर स्लॉट भी मिल जाएगा, इवन लॉकेबल वाइजर भी है, शार्प 4 स्टार है आगे, और सारे कलर्स इसके ही आते हैं। इन सब की प्राइसिंग क्या है सारे वाले हेलमेट की? प्राइसिंग वो है 7,500 के बाद। बात करते हैं रेवेंज 2 सीरीज की, तो रेवेंज 2 सीरीज अगर आप देखोगे तो ये उनके लिए ज़्यादा फोकसिंग हेलमेट रहेगा, जिनको थोड़ा स्पीड में चलाना ज़्यादा पसंद, तो फिटिंग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइट चाहिए और अच्छी चाहिए, मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक। और ये लाइट वेट काफ़ी रहता है, मतलब आप देख सकते हो इसे। अगेन इसमें भी आपको लॉकेबल वाइजर मिलेगा, इसमें यूरोप ECE DOT सारी सर्टिफिकेशन मिलेगी। इस वाले मॉडल में शार्प नहीं आता है, वो पहले वाले मॉडल में आता था। फिटिंग बहुत डिफरेंट रहेगा इसका, प्रीमियम पैडिंग रहेगा, डबल डी रिंग स्ट्रैप के साथ ही आता है, कंफर्टेबल रहेगा बहुत ज़्यादा। और सिंगल वाइजर
सिंगल वर्जन है भाई, इसमें डुअल वर्जन नहीं आता है। कि क्या प्राइसिंग है? ये 9100 रुपए का आता है, इसके सारे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ खाली वीडियो को अगर देख रहे हो ना, वीडियो को देख के आप आओ विजिट करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खरीदने आएंगे या कुछ परचेस करने के, तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आओ स्टोर में और इन सब हेलमेट्स को पहन के देखने के बाद मैं आपको अटेंड करूंगा, सारी चीज आपको समझाऊंगा, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि अगर ये 9100 का तो क्यों है, वो 7550 का तो क्यों है। तो ये चीज़ मेन है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप स्टोर में एंटर करोगे कुछ प्रोडक्ट लेके जाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप इंटरनेट से देख के फिजिकली प्रोडक्ट चेक करने आ रहे हैं बहुत अंतर भी हो जाता है फोटो से और सामने देखने में। इसके बाद जो आता है दैट इज MT Thunder 4 SV, तो MT Thunder 4 हेलमेट्स के अंदर देखते हैं सारे डिफरेंट ग्राफिक्स आते हैं अभी जो चल रहे हैं करंट में, बाकी कलर चेंज होकर आते रहते हैं धीरे धीरे ओवर द टाइम, तो कोई यूनिक हेलमेट इसमें उठाता है आपको दिखाएंगे। तो दिस इज MT Thunder 4 SV, तो इस वाले कलर का नाम वैसे ड्रैक्स है, काफी लोग क्वेश्चन करते हैं मैंने देखा बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसका जो शेल आप देख रहे हो ना, पहले तो फुली एरोडायनामिक है लाइक अदर हेलमेट जो आते हैं, वो स्पॉइलर के जो शौकीन है भाई उन लोगों के लिए तो मतलब बहुत तगड़ा स्पॉइलर है। इसमें ग्राफिक्स भी बहुत डिफरेंस मिल जाएंगे आपको, सनवाइजर मिल जाएगा, और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम टेबल पर रख के दिखाते हैं इसे। तो पैडिंग के अंदर अगर बात करें तो पैडिंग आप देख सकते हैं लेजर कट पैड्स होते हैं, इमरजेंसी क्विक रिमूवल सिस्टम होता है, स्पीकर पॉकेट्स मिलेगी, एंड सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जो क्या आई है बहुत इजी है, इजी लॉक है, काइनेटिक लॉक है, आपने सिंपली निकालना है और सिंपली पुश करके। ग्राफिक्स तो है ही माशाल्लाह, ग्राफिक्स है ही आपके। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, काफी लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि भाई दो है वैसे जो रूमर्स है, रूमर्स ये है कि MT का सामान नहीं मिलता, लॉक्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलता। हाँ, ये मैंने भी सुना था। बट मैं आपको ये आज बताने चाहता हूँ कि पावर स्पोर्ट्स करोलबाग के स्टोर में आप कभी भी विजिट कर लेना, हमारे पास बॉक्स में फिल होता है सब कुछ। अगर वीडियो में देखना हो तो ऑन डिमांड कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर देना सर को, हम आपको पूरा बॉक्स भरा दिखा देंगे, चाहे MT Thunder 4 के वाइजर्स हो, MT Carry प्लस अभी लॉन्च हो उसके भी वाइजर्स अवेलेबल है, इसका Anti-Fog सारे पार्ट्स अवेलेबल है, पैडिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, अंदर के जो ये वाले लॉक टूट जाता है इनकेस तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। पर भाई ये वाला हेलमेट और दिखाओ, ये दोनों बहुत ज्यादा मतलब मेरे को, ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं दोनों, ब्लैक वाला भी और ये व्हाइट वाले भी। कभी आओ तो भाई इन दोनों हेलमेट को जरूर चेक करना, नित्तू का व्हाइट वाला फेवरेट है और मेरा ब्लैक वाला। सर की डिमांड पे भी ये चीज दिखाएंगे, बाकी बी रोल में तो आपको सारे हेलमेट के करके दिख ही गए होंगे। हाँ, ये बहुत पसंद आया हमें। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वही का आप पर्सनली आके सारी चीज़ें पूछ भी सकते हैं, तो हम आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ये तीन हेलमेट है भाई जो मतलब ब्यूटी है MT की, फोकसिंग चीज है सबसे ज्यादा अभी तक जो MT हेलमेट जो है, सबसे पहला हेलमेट जो है MT Thunder 4 वो इंडिया का सबसे फर्स्ट हेलमेट था जो ECE R22.06 लेकर आया था, यानी यूरोप का जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन अभी में चल रहा है वो इसी हेलमेट के अंदर है। तो प्रोटेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो टॉप रेटेड है, मतलब अभी तक का रिसेंटली आपका सर्टिफाइड रहेगा। इसमें पॉलीकार्बोनेट शेल है और प्लस जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना, ये इसको नोटिस नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज HIRP, तो हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीमर होता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो उसको झेलने के केपेबल रहता है हेलमेट ये, तो ये डिफरेंस है। अब प्राइस की बात करें, प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस जो रहेगा इसका रहेगा 12,950 रुपये। और जो भी लोग कहते हैं कि MT हेलमेट बहुत महंगा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल ब्रांड जो कि MotoGP जैसे ऐसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर ऐसा डिजाइन आपको 13,000 के अंदर मिल रहा है। सर बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप शो या अदर ब्रांड्स पे भी जाओगे, HSC का नॉर्मल हेलमेट भी अगर आप जाओगे तो मतलब 10,000 से शुरू होता है। इस टाइप के स्पॉइलर चाहिए तो भाई कम से कम 30,000 प्लस लेके जाना अगर उन ब्रांड की तरफ जा रहे हो। मोस्टली बजटेड हेलमेट्स ही निकालता हूं लेकिन डिपेंड करता है सबका अपने यूजेज के हिसाब से, बट मैं ये कहूंगा कि आप बाइक के हिसाब से एटलीस्ट हेलमेट अच्छा यूज करो कि काफी लोग हेलमेट में, उसमें एक फायदा भी हो जाएगा ना भाई कि मतलब जो और रोड पे जो भी हेलमेट चल रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं उनसे आप बहुत अलग दिखोगे और आपका हेलमेट मतलब पता चल जाता है कि हाँ एक कोई ब्रांडेड हेलमेट आप पहन के चल रहे हो। और एक होप करते हैं एक चीज ना, काफी लोग ना कंपैरिजन बड़ी जल्दी करते हैं कि भाई Anti-Fog क्यों नहीं आता है, मैं भूल गया था इसी बात की। Anti-Fog के बारे में, Anti-Fog जितने भी लीडिंग ब्रांड्स है ना, वही अगेन रिपीट नहीं करूंगा आपको नाम सारे बता दें, जो लीडिंग ब्रांड्स को भी Anti-Fog नहीं देते, क्योंकि देखो अगर आप कंपनी का किसी हेलमेट बनवा रही है तो Anti-Fog का कॉस्ट जुड़ता ही जुड़ता है, और वो उसको एज अ ऑप्शनल रख देते हैं आपके लिए कि अगर आपको यूज है। अब फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में रहते हो और आपके पे गर्मी ज्यादा ही पड़ रही हो तो आपको Anti-Fog की जरूरत नहीं पड़नी, तो 2,000 रुपये 2,500 रुपये हेलमेट अगर ऐड हो जाएंगे ना, मतलब 13,000 का और महंगा हो जाएगा, 13,000 का हेलमेट है, 2,500 का है, मैं कह रहा हूं 2,000 का Anti-Fog इसमें इंसर्ट हो गया तो ये 15,000 का हो गया, तो फिर वो सेंसलेस चीज हो जाएगी, जिसको जरूरत नहीं है उसको तो महंगा लगेगा बिल्कुल। और जिसको नहीं चाहिए तो वो ले सकता है, और जिसको अगर ऐड करना है तो वो हेलमेट के साथ परचेस करके इंस्टॉल कर सकते हो, और विंटर्स में यूज होता है क्योंकि सीजनल होता है, तो अगर आप वैसे यूज करो मिट्टी लग के खराब हो जाना उसमें भी। सिर्फ यही एक हेलमेट है जिसके अंदर FIM सर्टिफिकेशन है, मैं जूम करके दिखाएंगे इस चीज को, FIM सर्टिफिकेशन रेस ट्रैक्स के लिए होती है, तो दिस इज दी ओनली सिंगल हेलमेट अभी जो क्या कहते हैं आपका MT की वजह से आ रहा है, जो MT की तरफ से आ रहा है KRE+। तो आप देख सकते हो फुली इसमें आपका पूरा स्पॉइलर वगैरह मिलेगा, फुली कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर है, जेन्युइन कार्बन फाइबर है, लॉक्स बहुत डिफरेंट रहेंगे क्योंकि
काफ़ी हैवी ड्यूटी हेलमेट रहेगा ट्रैक्स के हिसाब से, ईजी करने के लिए हैवी ड्यूटी बोल देंगे बिल्कुल। ये आपका पिन लॉक इंसर्ट है अंदर की तरफ से, और ऊपर से टीयर ऑफ मिलते हैं जो कि ट्रैक पे यूज़ होते हैं। इसकी फिटिंग बहुत डिफरेंट रहेगी क्योंकि नॉर्मल हेलमेट से, इसके अगर आप जैसे नॉर्मल हेलमेट को लार्ज पहनते हो, इसे लार्ज पहनोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग रहेगी इसकी। 100 लाइनिंग लगी पड़ी जो कि डिफरेंट लेवल का कंफर्ट देती है नॉर्मल हेलमेट से और भी ज़्यादा। आप देख सकते हो पूरा ग्रीनरी पैडिंग लगी हुई है, डबल डीरिंग लॉक के साथ आता है, ब्लैक वाइजर इसके साथ मिलेगा आपको, एक स्मोक वाइजर एक्स्ट्रा इसी हेलमेट के साथ आपको, इसका एंटी फॉग मिलेगा, पूरा एंटी फॉग आपके साथ में आएगा। ये काफ़ी अच्छा सा कैरी बैग आ गया, इसका फोल्ड करके ट्रैवल भी कर सकते हो। तो ये हेलमेट का जो कॉस्ट है वो 40,000 रुपये रहने वाला है, और नॉर्मल हेलमेट जो आप अगर आपके होगा भाई 30,000 तक का, तो 32,000 तक का तो आराम से कार्बन फाइबर मिल जाता है। 40 का क्यों है, ट्रैक पर पर्पस कोई अगर देख रहा है तो उनके लिए जो ट्रैक पर, और ये हेलमेट आप और भी रेसर्स के हेड पे देख सकते हो आप, सर्जियो ग्रासिया, पेड्रो कोस्टा, इनका नाम सर्च करके देख सकते हो। मोटो 2 और मोटो 3 के अंदर इन्होंने इस हेलमेट को पहन के ही जो चैंपियनशिप है वो जीती है। अब थोड़ी सी ना दो चार जैकेटें और दिखा दो, हल्के फुल्के ग्लव्स, जिससे लोगों को एक अंदाज हो जाए कि ये सारी चीजें भी आपको इजीली मिल जाएंगी। कहते हैं ग्लव्स के बारे में, तो हमारे पास मैं बताता हूँ, हमारे पास अदर ब्रांड्स तो नहीं मिलते हैं क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक ब्रांड्स ही रखते हैं हमारे पास। तो जैसे कॉर्डा का वाला जो ग्लव आ रहा है आपको खाली डे टू डे कम्यूट करना है, लेकिन आपके ग्लव्स ऐसे जो आपको प्रोटेक्शन दे स्लाइडर के साथ, तो ये वैसे 2200 का है, लेकिन इसका इसका जो है इसमें अभी ऑफर चल रहा था 1700 रुपये का पड़ जाएगा। और अभी कॉर्डा ने जो है नए ग्लव्स निकाले हैं डुअल स्पोर्ट के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको लेदर के साथ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेदर सबसे ज़्यादा सेफ होता है। तो आप आके देख सकते हो इसका जो प्राइस रहेगा दैट इज 3250 के वाला ग्लव रहेगा, फुली वारंटी वगैरह सब कुछ कवर होगा आपका पावर स्पोर्ट्स की तरफ से। और कोई भी अगर ऑनलाइन अगर मंगाना चाह रहा तो पावर स्पोर्ट्स के नेटवर्क से मंगा सकता है, पावर स्पोर्ट्स हमारी वेबसाइट है। इसका सेकेंडरी कलर ये रहेगा, और ये कॉर्डा की तरफ से ग्लव आया है आपका नॉक्स प्रोटेक्शन के साथ, तो आप ये देख सकते हो सभी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के हिसाब से सबको R&D करके इस प्रोडक्ट को निकाला है, और इंडिया की कंपनी तो भाई क्या कहते हैं प्राउड कर सकते हैं हम इस चीज़ पे। तो ये भी आपका लेदर कॉम्बिनेशन भी नॉक्स प्रोटेक्शन के साथ आया है। इसकी क्या प्राइसिंग है? 4950 है, मतलब नियरली 5000 रहेगा। तो जो शूज़ की अगर हम बात करें तो शूज़ में हमारे पास फॉर्मा आपको मिल जाएगा, अभी फॉर्मा में एडवेंचर लो मिल जाएगा आपको, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, और ये आपका जो मोटो जीपी रेसेस होती हैं ट्रैक्स में इन इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी रहेगी। लेकिन बात करते हैं बजटेड की, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे जो राइडर्स हैं वो भाई कोशिश करते हैं कि बजटेड भी रहे और भी सारे खर्चे संभाल लेते हैं, तो सबको बजट ही चाहिए बिल्कुल। तो अगर स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा अगर आपको शूज़ चाहिए जबकि जो आपकी नीड्स को फुलफिल करें, तो आप इसको देख सकते हो 14,000 का शूज़ है, रियो आपका टीरेक्स रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला शूज़ है 14,000 के अंदर। देखने में बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रोनेशन बोन पे बैक पे आपको मिल जाएगा, हील प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको, TPU मिलेगा, साइड में स्लाइडर्स मिल जाएगा आपको। और ये है फॉर्मा के शूज़ जो कि वाइपर है, तो जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनको भाई जॉब पे जाना है, किसी कैफे वगैरह पे जाना है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए और सेफ्टी भी प्रोटेक्शन भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए, तो फॉर्मा का वाइपर आता है। ये 15,200 का शूज़ है, फुली वाटरप्रूफ है, सारी प्रोटेक्शन है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आप लगा ही सकते हो। अगर आपको ऐसा शूज़ चाहिए जो स्पोर्टी लुक में भी रहे तो आप ये ले सकते हो, रियो ऑनिक्स, फुली वाटरप्रूफ रहेगा, सारी प्रोटेक्शन है इसके अंदर, और ये इंटरनेशनल ब्रांड है, अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो सारी सर्टिफिकेशंस के साथ डेडिकेटेड आपका पैच भी मिलेगा आपको इसके अंदर शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि इशू बहुत आते हैं नॉर्मली। तो ये शूज़ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, 10,650 का शूज़ है। इस पर ऑफर चल रहा है हमारी जैकेट्स पे, ये वैसे 5,500 रुपये की है, बट ये 4,250 के अंदर आपको जैकेट मिल जाएगी। 4,250 में भाई? बिल्कुल। इस पे जो पीछे है वो फॉर्म लगा हुआ है, रीज़न बिहाइंड क्या होता है, आप ऑफिस गए आपने जैकेट ली और आपने बंद करके अंदर रख ली, क्योंकि नॉर्मली बैक आर्मर होगा तो टूट जाएगा और फोल्ड नहीं हो पाती। ऑल लेवल 2 प्रोटेक्शन मिल जाएगी जैकेट पे आपको, और ऑफर भी मिल जाएगा, लेकिन इस जैकेट में ज़्यादा कुछ खास आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि डेली डे टू डे कम्यूट करने के लिए हिसाब से बनी हुई है। इसमें 2 कलर आते हैं हमारे, इस जैकेट का नाम मैं आपको बताता हूँ कॉस्मो, फिर इसका थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है, लेकिन आपको चाहिए बैक आर्मर के पीछे, तो ये आ जाएगी आपकी मेट्रो। कलर्स लुक्स आप देख लीजिए, प्राइस इसका 6,750 है, बट ये आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगी समथिंग 5400 समथिंग की जैकेट आपकी डिस्काउंट पर मिल जाएगी। दोनों कलर्स इसमें मिल जाएंगे आपको, ऑरेंज और ब्लैक में। इस जैकेट का जो वैसे प्राइस है वो 8,450 है, इस पर डिस्काउंट नहीं, लेकिन इसमें आपको लाइनर्स मिल रहे हैं इस जैकेट के साथ, इसी प्राइस में पहले नहीं आते थे, बट कंपनी तरफ से ऑफर है अभी इस बारी। 2 कलर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, ये वाइट कलर की जैकेट आपको मिल जाएगी, मिलर जैकेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कम्फर्ट है, 7,999 इसका प्राइस आ रहा है। ऑल लेवल 2 प्रोडक्शन है, चेस्ट से लेके बैक तक कंप्लीट लेवल 2 रहेगा आपका। तो ये लेडीज जैकेट है मैकना की तरफ से, मैकना इज इंटरनेशनल ब्रांड, उसके अगर आपने KTM राइडर्स की अगर बाहर की वीडियो देखी होगी तो आपने वाला लोगो वहाँ पे देखा ही होगा, काफ़ी फेमिलियर लगेगा उन लोगों को। तो ये वुमेंस जैकेट है, इसमें लेवल 1 के आर्मर्स होते हैं और वो एक्ट करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, लेवल 2 की तरह उनके खुद के आर्मर्स होते हैं, जैसे लाइक अल्पाइन स्टार, रैबिट, डाइनीज, जितने भी सारे ब्रांड्स आते हैं वो अपनी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्राइसिंग इसकी बताता हूँ, प्राइसिंग इसकी जो रहेगी दैट इज़ 13,250, और ये ऑफर में पड़ रही है आपकी 9,900 रुपये की, तो इस पर डिस्काउंट है, बहुत लाइट वेट रहती है जैकेट, आप एक बार उठा के बताएंगे।
बहुत हल्की है लड़कियों के लिए, तो बहुत सही है मतलब लाइट वेट रहेगी इसमें। लेवल वन जो आर्मर है आपका शोल्डर और एल्बो में मिलेगा आपको। थैंक यू प्रशांत भाई, बहुत अच्छा अच्छा बताया। बाकी भाई कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर और जितने भी लोकेशन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें जो भी सारी क्वारी है भाई मुझको परेशान मत करना, डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है, नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कभी भी कॉल करो। और भाई हमेशा ओपन रहती है मतलब हमारी 7 डेज ओपन रहेगी प्रॉपर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर जो प्रोवाइड है आप उस पे 11 बजे से लेके आप इसे मतलब लास्ट मैक्स 8 बजे तक फोन कर सकते हो, क्योंकि देखो उसका पर्सनल टाइम चालू हो जाता है और शॉप भी ऑफ रहती है तो इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाती है, तो आप जैसे कभी ऑफिस टाइम करें तो आराम से हो जाएगा बात, ऐसी कोई इशू नहीं है। चलो भाई बाकी ब्लॉग को करते हैं एंड, और जो भी दिवाली पे नई बाइकें लेने के बारे में सोच रहे हैं, जब कभी भी बाइकें लेते हैं तो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज मत करना, लेना हो या ना लेना हो एक बार विजिट करना, आके देखना, चीज़ें समझना, देखना, क्या पता आपका मन मेल्ट हो जाए, और ऊपर से ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपका डेफिनेटली मन मेल्ट करेंगी करेंगी। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।